हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुसाइन ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं मॉर्निंग 8 बजे से कर रही हूँ। तो बच्चों की छुट्टियाँ भी, जैसे आजकल छुट्टियाँ ही हैं तो थोड़ा सा लेट भी उठते हैं। तो नाश्ता बना रही हूँ, तो नाश्ते में बन रहे हैं आज आलू के पराठे। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो ये पराठे रेडी हो चुके हैं और ये मैंने घी के साथ रखा है। बच्चों को घी के साथ ज़्यादा पसंद है, तो ये बस घी, अचार वगैरह नहीं लेते हैं। दही वगैरह बनी है, इनको दही नहीं चाहिए, इनको सिर्फ घी चाहिए। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है। तो आज ब्रेकफास्ट भी हैवी किया है, तो लंच थोड़ा सा देर से करेंगे। तो देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, ये देखना, ये उल्टे काम कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? पीहू, ऐसे क्या कर रहे हो पीहू? मत करो ऐसे, ऐसे मत करो। मुझे उससे मजाक से आया था। मैं कोई चीज सुनाऊं? क्या सुनाई, ये बता। हाँ, पहले बाल खड़े नीचे थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था ना, स्पोर्ट्स में मैं आगे था, रू भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था। दोस्तों पे बाइक थी, मुझ पर साइकिल थी, पास नहीं आता था जैसे जेब में मेरे राइफल थी। और आगे खेलने कूदने को जाता, भिगा देते मुझको, मैं पानी की टंकी में जाता, भिगा देते मुझको ये फेसबुक व्हाट्सएप, मेरे काम की चीज नहीं थी, टाइम सीखना चाहता था पर जेब में इतनी फीस नहीं थी। थैंक यू। बड़ा अच्छा सुनाया पीयू ने भी। और ये देखना, यहाँ घुसा हुआ है मोबाइल के साथ। छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो बस इसको मोबाइल के साथ ही रहना है ना। कर लिया? हाँ कर लिया। मैंने बहुत मस्ती कर ली, अब मैं थोड़े फ्रूट्स खा लूँ। हाँ खा लो। क्या खाओगे फ्रूट्स में? मैंगो नहीं, लीची ले आओ। मैंगो बाद में। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं फ्रूट क्या ले रही है पीहू। तो फ्रूट में क्या? अच्छा लीची। अच्छा लीची बहुत ज़्यादा मीठा और अच्छा होता है, मुझे पसंद है लीची। इसका इसकी गुठली फंस भी जाती है कभी गले में, अगर बच्चे ऐसे खा लेते हैं तो। और ले ले, और नहीं लेनी है? और नहीं लेनी है, एक ही बार ले लो, फिर बार बार मत निकालते रहना। बस हो गया, ठीक है चलो खा लो फिर, है ना। चल ले लिया लीची? हाँ, एक और प्लेट ले लियो छिपाने के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे बैठ के खा लो आराम से, ठीक है ना। रिशु को नहीं खाना लीची? रिशु खाना है लीची? हाँ। चल आ जाओ फिर, यहीं लेट है। खाना है तो छिलना पड़ेगा। छिलना तो पड़ेगा ही भाई, अपना अपना छिलो अपना अपना। अब दिन के 1:30 बज गए हैं और मैं भी चढ़ा लेती हूँ एक तरफ चावल और दूसरी तरफ कड़ी का तड़का लगा लेती हूँ। और ये मैंने लगा लिया है और रख दिया है कड़ी को बनने के लिए, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। तो अब शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और हम चलते हैं अपने नियरेस्ट भैरव भवानी मंदिर में, क्योंकि आज मंगलवार है तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। बच्चे काफ़ी आ रखे हैं, ये देखो बच्चों का भी काफ़ी। और आज भी हमारा तीसरा हफ्ता है भैरव भवानी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और पाठ खत्म हो चुका है हनुमान चालीसा का। और यहाँ पे बच्चों को प्रसाद वितरण हो रहा है। और बच्चों कैसा लग रहा है आपको मंदिर में आने? अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है ना तुम्हारा? अगले ट्यूसडे को आप
तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से आ गए हैं बच्चों के साथ और अभी हम आधे रास्ते में ही पहुंचे हैं। तो बच्चों से मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि बच्चे, तुमको मंदिर में कैसा लगा हनुमान चालीसा का? 3 हफ्ते से हम ये पाठ कर रहे हैं ना अपने नियरेस्ट मंदिर में, तो आप लोगों को कैसा लगा हनुमान चालीसा का पाठ तो सुन के? अच्छा लगा, और अच्छा। हम 3 वीक से कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? उससे तुमको क्या मिल रहा है? हमारे जो धर्म है उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं ना हम लोग, जो चीज़ हम लोग नहीं करते थे, करते थे आप लोग अपने अपने घर में सब करते थे, मगर अब क्या है, अब इसके प्रति जागरूक होना है और बाकी लोगों को भी करना है ना। तो मज़ा आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है। किट्टू को भी मज़ा आ रहा है, श्रेया को भी, पीयू को भी, अभी को भी। और अभी तो ढोलक बजाता है बहुत अच्छा, सब बच्चों को इकट्ठा करके लेकर आता है अभी तो। वाह। और नब्बू क्या कर रहा है वहाँ पर? नब्बू शर्मा रहा है। तो चलिए, इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय। जिन लोगों ने गुसाई ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बाए बाए।